I start. F.i.r. नंबर 150 साल 2001 पुलिस स्टेशन पुंछ का केस था, बहुत पुराना केस था, अंडर सेक्शन 307, 325, 341 और कुछ सेक्शंस में। तो इस मुकदमे में एक बार साल 2012 में ये मुलजम इस कोर्ट से बरी हो चुके हैं। उसके बाद हमारी प्रोसिक्यूशन ने अपील फाइल की, जो हम यहाँ से एक्विटल अपील फाइल करते हैं, गवर्नमेंट को, हाई कोर्ट को लिखते हैं कि भाई ये जज साहब का फैसला हमें पसंद नहीं है, ये हम ये लाइबल नहीं है, लिहाजा इसमें अपील में जाए और मुलजमों को दोबारा सजा दी जाए। फिर हाई कोर्ट में ये केस 4-5 साल चला, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स किया ट्रायल कोर्ट को कि आप दोबारा से एविडेंसेस को री लुक करें, दोबारा से एविडेंसेस को प्रेफर करें, क्या है किस तरह है। तो उसमें जब ये फाइल वापस हमारे पास आई, हम दोबारा हमने स्टडी किया, तो हमने अपनी प्रोसिक्यूशन की हतल वसा कोशिश से कोर्ट को कन्विंस किया और आज की डेट में इसमें एक्यूज्ड है मुनीर हुसैन सन ऑफ साई आर ओ कसलियाँ पुंछ का है ये, इसको 4 साल कैद बामशक्कत रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 10,000 रुपये जुर्माना दफ़ा 307 आरपीसी में और 500 रुपया फ़ाइन जो है दफ़ा 341 आरपीसी में ये अवार्ड कराया है। तो इसको हम अब भेज रहे हैं कोट बलवाल जेल में अगली सजा काटने के लिए। सर ये आपको हिस्ट्री बताइए, 2001 का है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक बार इसी कोर्ट से, हमारे डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट पुंछ से 2012 में ये बंदा बरी हो चुका है। केस क्या था? ये 307 में था, मेन ऑफेंस 307 था, 326 वगैरह और भी कलम थे ऑफेंसेस। तो जब अपील हमने प्रेफर की, हाई कोर्ट ने जो है अपील प्रेफर की और वापस रिमांड बैक फाइल भेजी सेशन कोर्ट को कि दोबारा इसके जो है एविडेंसेस को देखा जाए, कहीं कोई कोर्ट से कोई गलती ना हुई हो जिस वजह से ये बंदा बरी हो गया है। तो उसमें हमने अपनी हतल वसा कोशिश करके तो इसको आज सजा करवाई है। ये अब डीबी में जा सकता है, ये सिंगल बेंच में नहीं जा सकता, अब ये इसमें डीबी में जा सकता है, वो उसका फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, वो जाके आगे प्रेफर कर सकते हैं, बेल ले सकता है या कन्विक्शन को ख़त्म करा सकता है, वो उसका है। ये हमारा इस इन एक दो महीनों में दूसरी तीसरी जो है कामयाबी है डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि जो हम ये कन्विक्शन करवा रहे हैं। मुझे ऐसा कहना मुनासिब नहीं लगता है, जब से मैंने ये ऑफिस ज्वाइन किया उससे पहले हमने रिकॉर्ड देखा है कि 6-6, 8-8 महीने में कोई कन्विक्शन नहीं हुई है, सब केसेस एक्विटल में जा रहे थे, किसी में आईओ जो है वो एग्जामिन नहीं होते थे, किसी में आई विटनेसेस एग्जामिन नहीं होते थे। हम अपनी कोशिश से और हमारे साथ सपोर्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट एसपी मिस्टर पांडे जो हैं वो बहुत कॉपरेट करते हैं एविडेंसेस लाने में, इन्वेस्टिगेशंस में प्रॉपर और अच्छी इन्वेस्टिगेशंस में अच्छे आईओज देते हैं, जिससे आगे हमें भी फायदा होता है और हम समाज से इन मुजरिम लोगों को, जो पेशावर मुजरिम लोग हैं, इनको तकमील अमल तक पहुँचाएंगे। इनका वकील मिस्टर ताज हुसैन शाह एंड मिसेस धीरज कौर, ये काउंसिल थे। आम आवाम को एक आपने अच्छी बात कही, एक और नई बात भी बताना चाहूँगा आम आवाम को, ये कि अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले हमने गैंग रेप में 28 साल की सज़ा जो है वो करवाई है। ये गैंग रेप है, ये ऑफेंस अगेंस्ट वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ये एक मजाक बना के रखा हुआ लोगों ने, या तो पुलिस लेवल तक ख़त्म कर देते हैं या सरपंची पंची और नंबरदारी लेवल पर बैठ के लेन देन करके ख़त्म कर देते हैं केसेस। मैं ये यकीन दहानी दिलाना चाहता हूँ समाज को कि जो केस हमारे पास आएगा, हमारे कोर्ट में आएगा, अगर उसमें सच्चाई पाई जाएगी किसी हद तक भी, तो उस मुजरिम को माफ़ नहीं किया जाएगा। करूँगा कि काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि जी हम सेशन कोर्ट से बरी हो गए, अब इससे आगे कुछ नहीं होगा। ये ऐसे केसेस की मिसालें लें, हम मटेरियल कलेक्ट करके जो है अपील प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट ऑफ जेएंडके लॉ डिपार्टमेंट को, और वो उसमें मुआयना करके फिर हाई कोर्ट को देते हैं और अपीलें हाई कोर्ट में लगती है और उनका नतीजा ऐसे ही होता है जैसे आज इस केस में हुआ है, और मुस्तहिक लोगों को, गुनहगारों को सजाएं होती है।